आज हम बनाने वाले हैं खड़ी मूंग की खस्ता पापड़ी, जिसे आप बना के काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें हमने कुछ मसाले मिलाए हैं, जिससे ये पापड़ी बहुत ही खस्ता बनी हुई है। देखिए कितनी खस्ता बनी है हमारी ये पापड़ी। इसकी आप चाट बना के खाइए या चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए, या कोई भी मेहमान आए तो उसे चाय के साथ दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है खड़ी मूंग दाल की पापड़ी। त्योहारों में भी आप इसे बना के एक महीने से ज़्यादा भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं श्वेता AGOG किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं ये खस्ता पापड़ी। आज ना पापड़ी बनाने के लिए मैंने 3 हरी मिर्ची ली है। मिर्ची बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी इसलिए मैंने 3 ली है। आप चाहें तो 5 हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां ले ली है और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। अब ना हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये लहसुन मिर्ची के पेस्ट में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें डाल लेंगे 1 कटोरी उबली हुई खड़ी मूँग की दाल। इसे हमें बिना गलाए डायरेक्ट 2 सीटी लेकर बॉईल कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। आप कोई भी मेजरिंग कप ले लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट कर लीजिए। और साथ ही में लूँगी मैं 1/2 कटोरी मक्के का आटा। मक्के के आटे से पापड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हमें लेना है 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और इसे भी अच्छी तरीके से क्रश करके हम आटे में मिक्स करेंगे, ताकि सौंफ का फ्लेवर अच्छे से आटे में मिल जाए। 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें ज़ीरा। अब हाथों से क्रश करके हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देती है हमारी पापड़ी में। तो इस तरीके से देखिए हाथों से क्रश करके हमें अजवाइन डाल लेना है। अब 1/4 टीस्पून हम ले लेंगे कलौंजी और साथ ही में 1/4 टीस्पून हम ले लेंगे हींग। हींग भी डाइजेशन के लिए काम आती है। और 1/2 टीस्पून हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का भी पेस्ट डाला हुआ है, तो पापड़ी बहुत ज़्यादा तीखी ना हो जाए इसलिए लाल मिर्च का यूज़ हमें कम करना है। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था मिर्ची लहसुन अदरक का, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, पर हमेशा नमक कम की तरफ ही डालिए क्योंकि जब ये पापड़ी फ्राई होगी ना तो उसके बाद नमक तेज़ भी हो सकता है, इसलिए नमक हमें कम ही डालना है। अब सारे आटों में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल से जो हमारी पापड़ी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। अब बस हमारी जो पापड़ी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर लाने वाली हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इसे भी हमें हाथों से इस तरीके से क्रश करके आटे में डाल लेना है। अब सारे मसाले और मूंग दाल को हम आटे में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताना। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो हमें ना ये मसाले का एक सख्त डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा लगा लेंगे। एक साथ हमें सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा गीला भी हो सकता है। तो सख्त डो लगाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी का ही यूज़ करना है। तो अब ना हमारा जो आटा है वो अच्छी तरीके से लग चुका है, तो अब इसकी हम बना लेंगे लोई। ये जो सारा आटा है ना, उसकी मैंने 5 लोई बना के रख ली है। अब एक चौकी में हम थोड़ा सा तेल या तो घी लगा लेंगे और लोई को हम रोटी की तरह बेल लेंगे। और जो ये रोटी है ना, वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, कुछ इतनी मोटी करीब ये रोटी होनी चाहिए। इसे हम पूरी जितना मोटा बेल सकते हैं। अब फोक की मदद से हम इसमें छोटे छोटे से होल बना लेंगे। होल से क्या होगा ना, जब हमारी पापड़ी तेल में जाएगी तो फूलेगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अंदर से रहेगी ये खस्ता और बाहर से एकदम क्रिस्पी। इस तरीके से ना पूरी रोटी में हम होल बना लेंगे। अब एक ग्लास या कटोरी या तो फिर कुकी कटर से आप ये रोटी के छोटी छोटी सी रोटियां कट कर लीजिए। बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी पापड़ी इस तरीके से आप बना सकते हैं।
एक एक पापड़ी बेलने की झंझट भी नहीं रहेगी। अब सारी जो हमारी पापड़ी है ना, वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे और जो बचा हुआ आटा है उसे हम बाकी आटे में मिला लेंगे और बाकी की जो पापड़ी है उसे भी इसी तरीके से बेल के बना लेंगे। तो देखिए, जो हमारी पापड़ी है वो कट के तैयार हो गई और आटे को मैंने दूसरे आटे में मिक्स करके थोड़ी सी और पापड़ी बना ली है और इसे ना हम एक साथ एक प्लेट में रख लेंगे फ्राई करने के लिए। इस तरीके से अगर आप पापड़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब तेल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम में तेल है और सारी पापड़ियाँ एक एक करके हम तेल में डाल देंगे। और जब ये सारी पापड़ी अपने आप ऊपर आ जाएगी ना तो हम इसे अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें हाई मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है क्योंकि जो हमारी दाल है वो ऑलरेडी कुक्ड है और सिर्फ आटे को हमें कुक करने की ज़रूरत है। तो देखिए, अभी गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी ये पापड़ी। अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर में रह जाए। इस तरीके से आप फ्राई करेंगे तो पापड़ी में बहुत ज़्यादा तेल नहीं भरेगा। अब एक बैच मैंने पापड़ी का निकाल लिया है, इसी तरीके से हम दूसरे बैच की पापड़ी भी तेल में डाल देंगे। अभी दूसरे बैच की पापड़ी डालने में भी हमें ये ध्यान रखना है कि तेल जो है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए क्योंकि जब हम एक बैच की पापड़ी फ्राई करेंगे तो तेल ठंडा हो जाएगा। तो तेल को वापस से गर्म करना है और उसके बाद ही हमें दूसरे बैच की पापड़ी डालना है। ठंडे तेल में पापड़ी डाली तो पापड़ियों में तेल भर जाएगा। तो अब हमारी जो पापड़ी है सेकेंड बैच की, वो भी तल के एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब ना आप ये पापड़ी की आवाज़ देखिए, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत ही खस्ता बनी है। तो देखिए, मैं ना अभी आपको एक पापड़ी तोड़ के बताती हूँ। इसे आप चाय के साथ सर्व कीजिए या चटनी के साथ, दोनों ही कंडीशन में हमारी पापड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें हमने जो कसूरी मेथी डाली है ना, उसका फ्लेवर तो एकदम ज़बरदस्त आता है और आराम से आप इसे एक महीने तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। आज की तो हमारी पापड़ी चाय के साथ एकदम हो गई है तैयार। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि सारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।